नमस्कार बच्चों, आई होप यू आर वेल। तो आप सबको पता है बच्चों, हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ 7 चल रहा है। एक या अनेक, जिसे क्या बोला जाता है? वचन। जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? वचन के नाम से संबोधित किया जाता है। आप सभी मेरे साथ अपना पेज नंबर 30 और 31 ओपन करेंगे। सभी मेरे साथ अपना पेज नंबर 30, 31 ओपन करेंगे, जिसमें हमारा 2 दिन से लगातार वचन को लेके नाम एक या अनेक पाठ चल रहा है। आज हमारा ये लास्ट है, हम इसे समाप्त करते हैं। तो आप इसे हमें ध्यान से समझेंगे। सभी चीजें एक या एक से ज्यादा होती हैं, या तो कोई चीज एक होगी या एक से ज्यादा होगी। तो एक चीज तो कहलाएगी एक वचन, और एक से ज्यादा चीजें कहलाएंगी बहुवचन। तो किससे कहलाएगी? बहुवचन में। तो सभी चीजें या तो एक होगी या एक से ज्यादा होगी। तो एक या अनेक किस चीज का बोध करा रहा है हमें? संख्या का। संख्या का बोध करा रहा है। एक संख्या एक, और एक से अनेक होते ही संख्याओं में वो अनेक में आ जाएगी। तो एक से ज्यादा होने पर उनके नाम में बदलाव आ जाता है। जैसे एक चीज है तो एक है, जैसे एक किताब तो किताब नाम। जैसे ही अनेक में गई किताब है, तो ये किसका बोध करा रहे हैं? हमें एक से ज्यादा संख्या का बोध करा रहे हैं। उसके नाम में भी बदलाव आ गया है, किताब किताबें। इस प्रकार देखिए, जैसे कुछ हमें शब्द दिए गए हैं, बच्चा बच्चे, अनेक में आते ही नाम चेंज हो गया। बच्चा यानी एक बच्चा, अनेक यानी अनेक बच्चे। मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताया भी था, एक और अनेक बच्चे के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया था, दिखाई भी थे कि बच्चा एक या अनेक। जैसे ये है बच्चा एक, और अनेक में आते ही बच्चे, अनेक में आते ही बच्चे, अनेक हो गया एक बच्चा, और शब्द अनेक में आते ही ये हो गया बच्चे। तो नाम में भी बदलाव आ गया, यहाँ पे एक संख्या का बोध हो रहा है यानी एक बच्चा, और यहाँ पे अनेक संख्या का बोध हो रहा है यानी बच्चे। तो ये है बच्चा बच्चे। तो इससे पहले क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ा चुकी हूँ। अगला है आपका, देखिए तितली तितलियां, तितली तितलियां। कार कार है, यानी यहाँ एक संख्या का बोध हो रहा है, कार कार है। माला मालाएं, गुड़िया गुड़िया। अब देखिए इनमें ये एक ही मात्रा के शब्द हैं, ये यहाँ पे बड़े की मात्रा छोटी ही हो गई, और यहाँ पे यहाँ की मात्रा लग गई। ठीक है, किसकी मात्रा लग गई? यहाँ की मात्रा लग गई। तो जैसे तितली, तो उसका क्या बन गया? तितलियाँ। बड़े की मात्रा क्या हो गई? छोटे ही की हो गई, और वहां पे क्या हो गया? यहाँ वाला मात्रा लग गई, जिसे हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं हम इसे? अनुनासिक। कार कार में एक, एक ही मात्रा लग गई। माला मालाएं, यहाँ पे एक अनुस्वार लग गया यहाँ पे। गुड़िया गुड़िया यहाँ पे। तो ये सारे अलग अलग तरीके से आपको मात्रा
किताब के अंदर ही करेंगे। कॉपी का वर्क आपका ये है और किताब का वर्क आपको किताब में ही करना है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।